छात्रों को फर्जी डिग्री बांटने वाली हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पर गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से करोड़ों का लोन हड़पने का भी आरोप लगा है। यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर अभिषेक अस्थाना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी और उसके पैट्रन सुभाष चंद्रा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बांटकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गैर कानूनी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज का पूरे देश में संचालन कर रही है। ये तमाम आरोप हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर अभिषेक अस्थाना के हैं। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पैट्रन एसएल और जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा हैं, जिनकी भूमिका भी सवालों में है। पूर्व वीसी के हलफनामे के मुताबिक यूनिवर्सिटी और जी के अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर गलत जानकारी और दस्तावेज देकर 70 करोड़ का लोन पास करवाया। पूर्व वीसी का आरोप है कि जी लर्न लिमिटेड ने हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के बारे में गलत जानकारी देकर ग्लोबल डिपॉजिटरी के जरिए 110 करोड़ रुपए भी जुटाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में यूनिवर्सिटी के खिलाफ चल रहे सीबीआई केस का भी जिक्र है। आपको बता दें कि कई वर्षों तक सुभाष चंद्रा हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी ने गोवा के विद्यावर्धन इंस्टीट्यूट को मीडिया और क्रिएटिव आर्ट्स जैसे कोर्सेज चलाने की मान्यता दी, जिसके बाद सीबीआई ने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के खिलाफ जाँच शुरू कर चार्जशीट फाइल कर दी है। सवाल है, यूनिवर्सिटी में हुए तमाम फर्जीवाड़े के लिए क्या यूनिवर्सिटी के पैट्रन की कोई जवाबदेही नहीं बनती? सुभाष चंद्रा के चांसलर रहते हुए यूनिवर्सिटी ने देश के 12 राज्यों में 29 गैर कानूनी सेंटर खोलकर ऑनलाइन कोर्सेज का फर्जीवाड़ा अंजाम दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ये कोर्सेज यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थे। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पर लगे आरोपों पर यूनिवर्सिटी ने ईमेल के जरिए सफाई दी है कि पूर्व वीसी के सभी आरोप गलत हैं। यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसने 70 नहीं बल्कि 33.75 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लोन के तौर पर लिए हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।